हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम आर्सेनिक एल्बम के बारे में पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। हम आर्सेनिक एल्बम के कॉन्स्टिट्यूशन को, मेंटल जनरल्स को, ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। फिजिकल जनरल्स हम इस वीडियो में फोकस नहीं करेंगे। हम लेवल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे कि जब पर्सन बिल्कुल हेल्दी था तो उसका लाइफस्टाइल कैसा था, वो क्या चीज, उसका मेंटल जनरल्स क्या थे। फिर हम जब उसे डिजीज़ होना शुरू हुआ, जब उसकी डिजीज़ बढ़ गई, तो कैसे कैसे इंसान के मेंटल लेवल में चेंज आया, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में गौर फरमाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, मतलब जब पर्सन आपका बिल्कुल हेल्दी है। तो हमें जब पर्सन हेल्दी है, हमें आर्सेनिक पेशेंट में देखने को मिलता है कि इस पर्सन में बहुत ज़्यादा एवराइस होता है। एवराइस मतलब होता है डिज़ायर फॉर मनी, पैसों की इच्छा बहुत होती है। माइजर होता है, कंजूस होगा, ठीक है, ग्रीडी होगा, बहुत लालची इंसान होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत हाइजीनिक होता है, ठीक है। इस पर्सन को हर चीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरी चाहिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन इस पर्सन के लिए मस्ट है। ये प्रेजेंटेशन पे फोकस करेगा, क्वालिटी पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करता। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कबर्ड है, ठीक है, इसके रूम है, उसमें कबर्ड है। अब इसका रूम बाहर से अच्छा दिखना चाहिए कि चादर है, उस पर एक भी सकुड़न नहीं दिखनी चाहिए। कबर्ड बिल्कुल, जो सामान है इधर उधर फैला हुआ नहीं होना चाहिए, सब कबर्ड में होना चाहिए। अब आप कबर्ड खोल के देखो तो भले ही कबर्ड अंदर से जो भी हाल हो कबर्ड का, ठीक है। टेबल है तो उस पर पेन फैले हुए बिल्कुल भी नहीं दिखने चाहिए, ठीक है, भले ही अंदर बुक्स कैसे भी रखी हों उलट पुलट। तो ये जो पर्सन है, इसको बाहर ही प्रेजेंटेशन से बहुत ज़्यादा, इसको बाहर ही प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रखनी है, ठीक है। अंदर क्वालिटी क्या है उस बात से इसको मैटर नहीं करेगा। ये फाइल रेडी कर रहा है, उसमें कंटेंट कैसा है, ये इस बात से इसको मतलब नहीं है। बस उसकी जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। फिर पर्सन बहुत ज़्यादा फास्टिडियस है, मतलब इसको प्लीज़ करना, इसको खुश करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, ठीक है। आप चांद तारे तोड़ के लेके आओ, ये इजीली खुश नहीं होगा, मुश्किल है इसको बहुत खुश करना, ठीक है। और वांट्स मोर देन शी नीड्स, मतलब जैसे ही आपके पास क्लिनिक पे आया, ठीक है, आपने इसको दवाई दे दी तो कहेगा डॉक्टर साहब और कोई दवाई तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पेशेंट है वो शी वॉन्ट्स मोर देन शी नीड्स, ठीक है, उसे अपना जितना उसे ज़रूरत है उसे ज़्यादा ही चाहिए, उसे जितना भी दे दो उसके लिए कम ही कम है। और एक बार ये पर्सन बहुत ज़्यादा श्याना होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा श्याना होगा, अपनी चीज़ नहीं देगा, दूसरे की चीज़ ले ज़रूर लेगा बट अपनी चीज़ देने में शानपन दिखाता है ये, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता है, ठीक है, मतलब कभी भी दूसरों का दर्द दुख बिल्कुल नहीं देखेगा, इसको अपनी ही पड़ी रहती है हमेशा, ठीक है। मैं बीमार हूँ, मुझे देखो, मैं बीमार हूँ, भले किसी का कोई इसका सर दबाते दबाते कोई पूरे रात न सोए, ठीक है, इसको आराम मिलना चाहिए, इसका सर जो है वो दबना चाहिए, ठीक है। फिर एम्बिशन की बात करते हैं, जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी है, और हम देखते हैं बहुत हार्ड वर्किंग भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है आर्सेनिक बिल्कुल भी हार्ड वर्किंग नहीं है, चापलूसी वगैरह नहीं करता, ये हार्ड वर्किंग है, ठीक है, लाइकोपोडियम की तरह चापलूस नहीं है, हार्ड वर्किंग है। और बट ये है कि नक्स वोमिका क्या करता है, आप नक्स वोमिका के ठेले पे जाओ, ठीक है, उससे आप दाल लेने बैठोगे तो आपको बहुत टाइम लगाएगा, क्योंकि वो दाल बिल्कुल परफेक्शन से बना के देगा कि उसमें कोई भी कमी नहीं निकाल पाए, ठीक है। बट आर्सेनिक क्या होगा, आर्सेनिक कभी भी मतलब अच्छा करने के चक्कर में, प्रेजेंटेशन अच्छी करने के चक्कर में लॉस नहीं होने देगा अपना, ठीक है। उसके ठेले पे आपको इतनी देर खड़ा रहना नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसको चाहिए। अब ग्राहक इतनी देर तक खड़े रहेंगे तो वो नहीं आएंगे ना कि इतना देर खड़ा रहना पड़ता है। आर्सेनिक बहुत चालाक होता है, उसको अपना नुकसान कभी नहीं होने देगा, ठीक है, प्रेजेंटेशन के चक्कर में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर उसे लगा है कि किसी और पर्सन ने उसकी इंसल्ट करी है, ठीक है, तो उस पर्सन से वो बहुत दूरी बना लेता है, उसकी उसकी प्रेजेंस भी उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, ठीक है। अब ये तो था कि पेशेंट जो है वो लेवल ज़ीरो पे कैसा था जब वो हेल्दी था। फिर हम बात करते हैं जब पेशेंट लेवल वन पे आया तो वो कैसा हो गया, ठीक है। अब लेवल वन पर तो
छोटी मोटी दिक्कतें आएंगी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अभी इसको हल्की फुल्की दिक्कत आनी शुरू हुई, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको कहीं पेन भी हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होगा पेन के लिए कि हाँ मेरे को कितना पेन हो रहा है। इसको मतलब थोड़े से भी पेन को इसे सहा नहीं जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है पेन को। अब इसने कोई भी दवाई वगैरह लेनी थी वो इनने ले ली, ठीक है, उससे इसको रिलीफ नहीं हुआ। अब इसका क्या है कि दर्द ने पेन किलर भी खा लिया, अभी भी इसका दर्द नहीं रुका तो ये आएगा बिकॉज ही इज़ ओवर सेंसिटिव टू पेन, ठीक है। दूसरा, ये हाइपोकॉन्ड्रियासिस व्हेन अलोन, जब ये अकेला होता है ना तो ये सोचता रहेगा अपनी हेल्थ के बारे में, यार कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ और बड़ी दिक्कत ना हो जाए, बड़ी दिक्कत ना हो जाए, तो इस वजह से भी आपके पास आ सकता है, ठीक है। और दूसरा, हम इस पेशेंट में क्या देखते हैं कि जब ये पेशेंट आएगा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इरिटेबल पर्सन है, ठीक है, इरिटेबल पर्सन है, और जो इसके आसपास बैठे होंगे ना लोग उन्हें भी अपना दर्द दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? ताकि इस मतलब इसे उन लोगों के दर्द से कुछ नहीं पड़ा है, ये उन लोगों को अपना पेन दिखाएगा ताकि इसका नंबर जल्दी आ जाए, ठीक है, कहेगा देखो देखो ये मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। और ये डॉक्टर से भी आके बोल सकता है, कंप्लेनिंग पिटीफुल एक रूब्रिक हमें देखने को मिलता है, ये डॉक्टर से भी आके बोल सकता है कि डॉक्टर साहब मेरे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ हमें मुझे पहले देख लीजिए, इस तरीके की ये हरकत कर सकता है, ठीक है। फिर एक रूब्रिक आता है, माइंड डिक्टेटोरियल डोमिनेटिंग डॉगमेटिकल डिस्पोटिक पावर लवर, मतलब ये डिक्टेटिंग है, मतलब ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगा, जो इससे मतलब जो इसके बाहर ये रॉब नहीं जमाएगा, जो इसके आसपास जो घर में है, ठीक है, तो उन पर ये रॉब जताता है, ठीक है। जैसे अगर कोई हस्बैंड आर्सेनिक है तो वो अपनी वाइफ को ऑर्डर देगा, जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ, ठीक है, पैर दबाओ, और इस तरीके के ये मतलब उन लोगों पर ये जमाता है जिनके सामने इसकी चलती है, जो इससे प्यार करते हैं उन लोगों के सामने ही ये रॉब जमाता है, बाहर नहीं जमाता, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि नक्स वोमिका की जो दिक्कतें होती हैं ना वो सारी उससे उसके बिजनेस की वजह से होती हैं, ठीक है। ये जो पेशेंट है इसकी जो सब दिक्कतें हैं वो इसके घर से होंगी, ठीक है। नक्स वोमिका, नक्स वोमिका की जो सारी दिक्कत थी वो उसके तो नक्स वोमिका की जो सब दिक्कतें थी वो उसके बिजनेस की वजह से थी, ठीक है। वो ओवरवर्क करता था, इस वजह से वो बीमार पड़ता है। यहाँ पर जो दिक्कतें हैं आर्सेनिक की वो उसके घर की वजह से है, ठीक है। एक तो ये पर्सन इतना ज़्यादा सेल्फिश है ना कि अगर इसको सोना है तो दूसरा टीवी नहीं देख सकता, तो नहीं देख सकता, ठीक है, ये बस अपनी खुशी देखता है, ठीक है, ये दूसरों का दर्द दुख बिल्कुल भी नहीं देखता, ठीक है। फिर इसको एक डिल्यूजन होता है, डिल्यूजन हैप्पी इन ओन हाउस ही नेवर बी, मतलब ये जो पर्सन है ये अपने हाउस में घर में कभी खुश नहीं रह सकता, इसको ये डिल्यूजन रहता है, ठीक है। उसके बाद इसको एक डिल्यूजन और रहता है कि इसके खिलाफ कोई कंस्पायरेसी कर रहा है, ठीक है, इसका माइंड ये सोचता रहता है कि यार मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, जब भी ये बहुत ज़्यादा चिंता करता है, ठीक है, तो इसके फोरहेड पर पसीना आने लगता है, इसके फोरहेड पर पसीना आने लगा। तो लेवल टू पर हमने बात करी कि वो आपके पास आया क्यों, ठीक है, और जो आपको वो कंप्लेंट्स बताएगा वो क्या क्या कंप्लेंट्स बता सकता है, ठीक है। लेवल वन में हमने पढ़ा कि वो ओवर सेंसिटिव है पेन के लिए पेन किलर्स ले लेगा, और फिर लेवल टू में हमने पढ़ा कि जो पर्सन है उसकी जो दिक्कतें होंगी बेसिकली वो उससे अपने घर से दिक्कतें होंगी, ठीक है, वो हमारे पास आएगा वो इरिटेबल पर्सन होगा, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा कि वो कैसे कंप्लेन करेगा पिटीफुल, और दूसरा हम एक और रूब्रिक देखते हैं कि हमने देखा कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, दूसरों के दर्द से वो अपना पहले दिखाता है, ठीक है। एक रूब्रिक और आता है, बाय डिज़ायर टू हिज ओन टम्बलर, मतलब फॉर एग्जांपल कि उसके सिर में बहुत दर्द है, उसकी दादी नानी उसका रात भर सिर दबा रही है, वो सोई नहीं है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस उसका सर दबना चाहिए। मतलब जो हम ये देखते हैं कि जो भी
इसकी केयर कर रहा है, जो पर्सन इसकी केयर कर रहा है उसको ही ये परेशान करेगा, ठीक है। मतलब उसकी दादी नानी उसका सर दबानी थी इतनी देर से, बट उनको ही ये क्या करेगा, उनके बारे में ही ये नहीं सोच रहा, उनको इसने बिल्कुल भी सोने नहीं दिया है, ठीक है। अब हम लेवल थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। लेवल थर्ड में हम क्या देखेंगे कि अब पेशेंट की दिक्कत सही नहीं हुई, ठीक है, या पेशेंट की दिक्कत बढ़ गई, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। सबसे पहले तो गुस्सा, अपनी प्रॉब्लम को लेके गुस्सा आएगा। तो जब भी जैसे उससे कुछ पूछा, उसने आंसर दिया, तो वो गुस्से में आंसर देगा। एंगर, इरासिबिलिटी, आंसर व्हेन ऑब्लिज्ड टू, ठीक है। फिर अगर उसे कोई उसके घर का बड़ा कुछ समझा रहा है, ठीक है, कि ये मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, तो एंगर कंसोल्ड व्हेन, जब उसको कोई समझा रहा है, ठीक है, तो उसको गुस्सा आता है। माइंड, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी विल, माइंड में क्या है कि जब वो बहुत ज़्यादा चिंता करता है, ठीक है, जब वो बहुत ज़्यादा चिंता करेगा तो क्या होता है, उसे बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी लगती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो अकेले लेटा हुआ है, ठीक है, रात में कुछ सोच रहा है, या फिर शाम में कुछ सोच रहा है, चिंता कर रहा है, ठीक है, उसको किसी ने डिस्टर्ब करा तो बहुत इरिटेबिलिटी दिखाएगा, ठीक है, बहुत इरिटेबल पर्सन है, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि आर्सेनिक में ना जो मेन रूपरेख है, आर्सेनिक जिसके अराउंड रन करती है, डेट इज़ इरिटेबिलिटी। तो आर्सेनिक का पेशेंट बहुत कमी है कि बिना इरिटेबिलिटी के मिले, इरिटेबल बहुत होता है, ठीक है। उसके बाद इसके दिमाग में अब इसे लग रहा है कि यार घर से सब दिक्कतें चल रही हैं, ठीक है, सब दिक्कतें क्या हैं इसकी, घर से ही हो रही हैं। तो इसके दिमाग में ये रहता है कि माइंड एस्केप वॉन्ट्स टू विजिट हिज डॉटर, तो ये उन सब चीज़ों से निकल के कहीं बाहर जाना चाहता है, अपनी डॉटर से मिलने, अपने फ्रेंड से मिलने, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, बस ये इन सब चीज़ों से बाहर जाना चाहता है, इनसे छूटना चाहता है, बिल्कुल पीछा छुड़ाना चाहता है, ठीक है। उसके बाद इसको जैसे कि कोई मदर है, ठीक है, उसका बेटा क्या रह रहा है, बहुत दूर रह रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कहीं पढ़ाई करने गया हुआ है, ठीक है, वो अपने घर पे रह रही है, ठीक है। अब उसे ऐसा लगता रहेगा कि यार कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है, उसको फियर रहता है। और फ्रेंड्स हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट, कि मेरे बेटा सही तो है, उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, ये तो लेवल थ्री हो गया, अब हम लेवल फोर पर बढ़ते हैं, ठीक है। अब पेशेंट की दो दिक्कतें हैं, वो ठीक नहीं हुई, अब पड़ गई, पेशेंट की दिक्कत ठीक नहीं हो पा रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, सबसे पहले तो ये आर्सेनिक होता है, ये एनक्सोमिका कितना नहीं होता कि ये ऑप्टिमिस्टिक हो, ही इज़ पैसिमिस्टिक, ठीक है, तो ये पैसिमिस्टिक होगा। और दूसरी बात हम देखेंगे, निराशा से भर जाएगा, और निराशा की वजह से वीपिंग, टीयरफुल माइंड बिकॉज ऑफ डिस्पेयर, ठीक है, वीपिंग, टीयरफुल मूड, डिस्पेयर फ्रॉम, मतलब बहुत निराशा से भर जाएगा, वीपिंग, टीयरफुल मूड, होपलेसनेस फ्रॉम, बिल्कुल भी आशा नहीं रहेगी इसमें, ठीक है, दुख से भर जाएगा ये पर्सन, और इसका बिल्कुल रुआंसा सा मूड रहेगा, ठीक है। और ये आपके पास आएगा, आपके पास आया तो बिल्कुल बच्चों की तरह रोएगा, वीपिंग, टीयरफुल मूड लाइक ए चाइल्ड, बोलेगा डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब ये ठीक नहीं हो रही, बहुत टाइम से दिक्कत है, ठीक नहीं हो रही, इस तरीके से बिल्कुल बच्चे की तरह रोने लगेगा, ठीक है, ऐसे बोलेगा। उसके बाद फ्यूचर को लेके कि कहीं कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, मैं ठीक भी हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, तो इस तरीके की चीज़ें इसके दिमाग में रहेंगी, वीपिंग, टीयरफुल मूड, फ्यूचर अबाउट द, ठीक है, तो फ्यूचर को सोच के कि कहीं इसका फॉर एग्जांपल कहीं कर्जा है, इसे मरने का डर लग रहा है, ठीक है, तो ये सोचेगा कि यार मैं कर्जा चुका पाऊँगा नहीं चुका पाऊँगा, मेरे बच्चों को क्या होगा, तो इस तरीके से इसका बहुत ज़्यादा टीयरफुल मूड रहेगा, और ये फ्यूचर की चिंता करता रहेगा, अपनी हेल्थ की वजह से फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा, तो इस बारे में सोचता रहेगा, ठीक है। इनवॉलंटरी वीकनेस, इसको अपनी बॉडी बहुत कमज़ोर फील होने लगेगी, ठीक है, बहुत कमज़ोर फील होने लगेगी, इसकी वजह से ये बहुत सैड रहेगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि माइंड इसका पैसिमिस्टिक है, बिल्कुल निराश हो जाता है, ठीक है, नेगेटिव सोचता है, आर्सेनिक नेगेटिव
मतलब आर्सेनिक आएगा तो आपको नेगेटिव एनर्जी फील होगी, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है. ठीक है, माइंड इरिटेबिलिटी एंजाइटी विद, आप इसे एंजाइटी है उसके साथ साथ इरिटेबिलिटी होगी, और इसे ऐसा लगेगा फियर डेथ ऑफ पेन फ्रॉम, कि इस ये जैसे ये ओवर सेंसिटिव है पेन के लिए, अगर इसको कहीं पेन हो रहा है कि सोचेगा यार ये तो पेन से ही मर जाएगा, ऐसे कि यार मेरे से पेन सहन नहीं हो रहा यार मैं मर जाऊंगा इस तरीके से ये सोचेगा. ठीक है, और फिर नेक्स्ट आता है 5 लेवल. अब इसकी कंडीशन हो गई है बहुत बुरी, अभी तक इसकी कंडीशन ठीक नहीं हुई, तो हम देखेंगे सुसाइडल डिस्पोजिशन पॉइजन बाय, ये जहर खा के मरने की सोचता है. ठीक है, लास्ट लेवल पे जब इसकी दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो ये जहर खाकर मरने की सोचेगा. दूसरा, जो जिसके लिए सिर्फ आर्सेनिक है, मतलब इस रूब्रिक में जो दवाई आती है वो आर्सेनिक है, दैट इज सुसाइडल फायर टू सेट वन सेल्फ, और आग लगा के मार देना खुद को, आग लगा के सुसाइड करना, ये आर्सेनिक चाहेगा. ठीक है, सो आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. थैंक यू.